वेलकम बैक टू योर चैनल कुकिंग विद देवाशीष। आज हम लोग एक स्नैक्स आइटम बनाएंगे चिकन का, चिकन नगेट्स। जिसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो स्लाइस ब्रेड के लिए हैं, इसका हम लोग एजेस को रिमूव कर देंगे। ये दो स्लाइस ब्रेड डाइस करके हम लोग इसको मिक्सी में अब हम चिकन का ब्रेस्ट पीस लिए हैं जिसे रफली हम लोग इसको काट लेंगे। हम लोग चिकन का मिंस निकालेंगे, चिकन पीसेस बोनलेस इसमें डाल देंगे, वाइट पेपर, जरा सा नमक, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ड्राई ओरिगानो। चिकन मिंस काफ़ी बढ़िया हो गया है। हमने चीज़ लिया है, चीज़ क्यूब को हम लोग छोटा छोटा पीसेस में काट लेंगे। चिकन मिंस को एक बाउल में शिफ्ट करेंगे, ज़रा सा ऑयल अपने हाथों में अप्लाई करेंगे। अब हम लोग इसको इस तरह से बीच में एक चीज़ का क्यूब और काफ़ी बढ़िया से चारों तरफ से इसको कवर अप करेंगे ताकि जब हम लोग इसको फ्राई करेंगे तो मेल्टेड चीज़ इसका बाहर ना आए। इस तरह से हम लोग हर एक बॉल में चीज़ अंदर डाल के बढ़िया से रेडी कर लिए हैं। अब एक अंडे को हम लोग बढ़िया से बीट कर लेंगे, नमक, वाइट पेपर। अब हम लोग इसको काफ़ी जेंटली शेप देंगे, एक बैटर में डिप करेंगे। ये हमने ब्रेड क्रम्ब रखा है, ब्रेड क्रम्ब में इसको कोट करेंगे। नगेट्स तैयार हो गया है। अब इसको हम लोग एटलीस्ट 1/2 आवर के लिए फ्रिज में क्लीन रैप देके रेस्ट होने देंगे। आफ्टर 1/2 आवर इसको हम लोग डीप फ्राई करेंगे। अपना ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है, हम लोग एक एक करके इसको फ्राई होने देंगे। इसे डीप फ्राई कीजिएगा और काफ़ी बढ़िया ये रेसिपी है एज ए स्नैक्स। आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, घर में कोई अगर गेस्ट आएंगे तो काफ़ी जल्दी इसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अपना नगेट्स काफ़ी बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुका है, काफ़ी बढ़िया खुशबू भी मुझे मिल रहा है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। अब हम लोग इसको प्लेटिंग करेंगे
ये अपना काफ़ी क्रिस्पी सा और अंदर में आप देख पा रहे हैं चीज़ बढ़िया सा मेल्ट हो चुका है। इस तरह से गरम फ्राई करके आप सर्व कर सकते हैं।